माँ लक्ष्मी को सिर्फ दीपावली ही नहीं बल्कि धनतेरस के दिन भी पूजा जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो माँ लक्ष्मी और एक किसान से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सर्वर। धन की देवी माँ लक्ष्मी को श्रीदेवी, कमला, धन्या, हरिवल्लभी, विष्णुप्रिया, दीपा, दीप्ता, पद्मप्रिया, पद्मसुंदरी, पद्मावती, पद्मनाभप्रिया, पद्मिनी, चंद्र सहोदरी, पुष्टि, वसुंधरा आदि नामों से भी जानते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी का मिलना आसान नहीं है, लेकिन आइए जानते हैं उस किसान की कहानी जिसे माँ लक्ष्मी ने स्वयं दिए थे दर्शन। लक्ष्मी माँ और किसान की कहानी। एक बार की बात है, भगवान विष्णु हमेशा की तरह धरती की सैर करने निकले। माँ लक्ष्मी भी हट करने लगेगी, वो भी उनके साथ जाएंगी। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बहुत समझाया कि उनका जाना जरूरी है और उनके कुछ जरूरी काम हैं। लक्ष्मी जी को उनके साथ नहीं चलना चाहिए, किंतु माँ लक्ष्मी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अंत में श्री विष्णु को उनकी बात माननी पड़ी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सृष्टि की सैर के लिए निकल पड़े ताकि वो सृष्टि का पालन कर सके। कुछ देर सृष्टि पर बिताने के बाद विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी से कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए किसी काम के लिए जाना है और माँ लक्ष्मी को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। भगवान विष्णु के जाने के बाद माँ लक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। वो वहीं पास में मौजूद खेतों से फूलों को तोड़ने लगी और उनसे अपने आप को सजाने लगी। कुछ समय बाद इन्होंने खेत में लगे गन्नों को तोड़कर खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। जब विष्णु जी अपना काम करके वापस आए तो उन्होंने लक्ष्मी जी को उस स्थान पर नहीं देखा जहां वो उन्हें छोड़कर गए थे। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें लक्ष्मी जी खेतों में गन्ना खाते हुए दिखी। जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मी जी बिना किसान की अनुमति के उस खेत के गन्नों को तोड़कर खा रही हैं, तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत देवी लक्ष्मी को यह आदेश दिया कि तुमने बिना पूछे किसान की फसल का इस्तेमाल किया है, इसलिए तुम इस किसान की 12 साल तक सेवा करोगी और उसके साथ रहोगी। इसके बाद विष्णु भगवान देवी लक्ष्मी को वहीं छोड़कर चले गए। श्री विष्णु की आज्ञा मान लक्ष्मी जी किसान के घर एक स्त्री के रूप में चली गईं। जिस घर में लक्ष्मी जी जाती हैं, वो घर धन धान्य से भर जाता है, जिस कारण वह किसान भी समृद्ध हो गया। लक्ष्मी जी के आने के बाद उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। 12 वर्ष बीत गए और अपने दिए गए वचन के अनुसार माँ लक्ष्मी को लेने विष्णु भगवान पुरुष रूप में उस किसान के घर पहुँचे। लक्ष्मी जी जब विष्णु भगवान के साथ जाने लगी तो किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। माँ लक्ष्मी ने उस किसान को समझाया, किंतु वो नहीं माना। किसान को मनाने के लिए भगवान विष्णु ने उसे कुछ कौड़ियाँ दी और कहा कि अपने परिवार के साथ गंगा नदी के तट पर जाओ, पूरा परिवार गंगा में स्नान करो और इन कौड़ियों को गंगा जल में प्रवाहित कर दो। जब तक आप सब वापस नहीं आ जाते, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और हम यहीं रहेंगे। विष्णु जी के कहने पर वो किसान उनकी बात मान गया। किसान विष्णु भगवान के कहे अनुसार गया और परिवार सहित उसने गंगा में स्नान किया। किसान ने जैसे ही उन कौड़ियों को प्रवाहित किया, तभी गंगा में से 4 हाथ आए और उन कौड़ियों को ले गए। यह देख किसान हैरान रह गया। उसने गंगा मैया की स्तुति की और उनसे यह पूछा कि हे गंगा माँ, ये हाथ किसके थे? माँ गंगा ने उसे बताया कि वो उनके ही हाथ हैं। आगे गंगा माँ ने किसान से पूछा कि यह कौड़ियाँ तुम्हें किसने दी थी? किसान ने उन्हें बताया कि उनके घर में एक मेहमान आए हैं, उन्होंने ही यह कौड़ियाँ उसे गंगा जी में डालने के लिए दी थी। गंगा माँ ने उस किसान को बताया कि जो भी तुम्हारे घर आए हैं, वो दरअसल भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ हैं। किसान ने उन्हें पूरी कहानी बताई, जिसके बाद गंगा माँ ने किसान को यह सलाह दी कि लक्ष्मी माँ को अपने घर से कभी भी मत जाने देना, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी घर से चली जाए तो घर में दरिद्रता आ जाती है। अगर माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर से चली जाएंगी तो तुम पहले की तरह ही गरीब हो जाओगे। किसान घर वापस आ गया, जहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
माँ गंगा के बताए अनुसार किसान ने लक्ष्मी माँ को फिर से रोक लिया और कहा कि मैं देवी लक्ष्मी को अपने घर से कभी नहीं जाने दूंगा। भगवान विष्णु ने किसान को बताया कि देवी लक्ष्मी ने तुमसे बिना पूछे तुम्हारे खेत के गन्नों को खाया था, इसलिए मेरे आदेश के बाद वो तुम्हारे साथ रहीं। किंतु लक्ष्मी चंचल होती है और एक जगह स्थिर नहीं रहती। तुम्हारे घर भी अब लक्ष्मी नहीं रह सकती। किसान नहीं माना। काफी समझाने के बाद जब किसान ने उनकी बातें नहीं सुनी तो लक्ष्मी माँ ने किसान से कहा कि अगर तुम मुझे सदैव के लिए अपने घर में रोकना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। कल धनतेरस है, इसलिए कल तुम अपने घर को साफ रखना और रात को घी का दिया जलाकर रखना। इसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी किंतु तुम्हें दिखूंगी नहीं। किसान मान गया और लक्ष्मी जी ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। उसने अपने घर की अच्छे से सफाई की और रात को घी का दिया जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद वह किसान जीवन भर समृद्ध ही रहा। उसका घर धन व धान्य से भर गया और उसे वह सब कुछ प्राप्त हुआ जो वह चाहता था। वह किसान हर साल माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगा। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी धनतेरस के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करनी शुरू कर दी। धनतेरस का त्योहार, यही कारण है कि आज भी धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसे शुभ माना जाता है। धनतेरस का दिन भी उतना ही पावन और पवित्र माना जाता है जितना दीपावली का दिन। इस दिन का भी उतना ही महत्व है। दोस्तों, धनतेरस की कथा पर आधारित माँ लक्ष्मी का यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी रोचक धार्मिक जानकारियों को आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अधिक धार्मिक वीडियोस हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल के अंदर आकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और धार्मिक वीडियोस बनाते रहें, तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स पहुंचाएं और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। ऐसे ही नई धार्मिक कथाओं को सबसे पहले देखने के लिए कृपया हमारा चैनल भक्ति सरोवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नए रोचक वीडियो के साथ हम आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।